रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। घर से बाहर निकाल दिया। क्या? नीता बड़ी बेदर्दी से हमारे प्यार को ठोकर मारकर चली गई। आप किसी पे यकीन नहीं है? जिस तरह नीता दीदी को आकाश जीजाजी की जरूरत है, उसी तरह उन्हें भी इनकी जरूरत है। मैं यहाँ काम करके इसके रहमो करम पर नहीं रहना चाहता। माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। अगर तुम इसे प्यार नहीं करते तो तुम इसे कह दो वो किसी और से शादी करे। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं करनी और ना ही मैं उन लोगों के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। जो लोग जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं वो मेहनत की कश्ती में बैठकर वक्त के समंदर में उतरते हैं। कमल अपने वादे के मुताबिक जरूर आएगा और अगर वो नहीं आया ना तो मैं उसे लेकर आऊंगी। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो किस लिए? मैंने कई बार देखा है कि तुमने मेरी बहनों के साथ उनके दुख शेयर किए हैं, उनकी परेशानियां शेयर की हैं और उन्हें खुशियां बांटने की कोशिश की है। मैं सच्चे दिल से तुम्हारा आभारी हूं। विशाल, अगर तुम मेरे बारे में इतना ही सोचते हो तो फिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? कैसा व्यवहार? विशाल, मेरी ही बहन को मेरे खिलाफ तुम क्या हुआ? दिखाओ क्या हुआ? कुछ नहीं विशाल। ये कैसे किया तुमने प्रियंका? अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? तुम कितनी लापरवाही करती हो। गॉड, कितनी बुरी तरह से लगी है। विशाल, तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। प्रियंका, लेकिन अपने आप तो ठीक नहीं होगा ना, इस पर कोई ऑइंटमेंट लगा लेना। सिंदूर का कर्ज है और दूसरी तरफ मेरी कसम जो मुझे पूरी करनी है। लेकिन विशाल, तुम्हारा प्यार भी मुझे नहीं रोक सकता कभी। हेलो शेखर भाटिया, कैसे हैं आप? नहीं, फोन मत रखना। आपकी खामोशी और घबराहट इस बात का इशारा कर रही है कि आपने मुझे पहचान लिया। वैसे मैं बहुत काम का आदमी हूँ। खैर, वो तो वक्त ही बताएगा। बाय द वे, क्या सोचा आपने? वो मेरा मतलब है, अदालत में कबूल करेंगे ना गुनाह आप? ओ यू शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की?
मुझ में हिम्मत तो तुम्हारे सामने आने की भी है, और मैं तो तुम्हें अदालत में देख भी सकता हूँ, पर तुम मुझे नहीं देख पाओगे। अपना गुनाह कबूल कर लो, वरना सारी जिंदगी इस केस में गुजर जाएगी। किसका फोन था शेखर? पता नहीं, कोई ब्लैकमेलर था, जबरदस्ती मुझे गुनाह कबूल करने के लिए कह रहा था। ये हरकत जरूर विनीता की होगी, पर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सिर्फ तुम्हें मानसिक परेशानी देने के सिवाय। यहाँ? हाँ मैं, मगर चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तरह यहाँ रहने नहीं आई हूँ। अच्छा, तो क्या मुझे अपने साथ अपने घर ले जाने आई हो? वो फैसला प्रियंका का था, मेरा नहीं। मगर विनीता, तुम मेरी शराफत को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं तुम्हें समझाने आई हूँ कि तुम अपनी गंदी हरकतों से बाज आ जाओ। मेरे पति पर झूठा इल्जाम तो धो पी चुकी हो, और अब किसी ब्लैकमेलर से धमकी दिलवाने के लिए फोन भी करवा रही हो। याद रखो, तुम चाहे जो भी कर लो, तुम मेरे पति को बर्बाद नहीं कर सकते। काम्या, शिखर आबाद ही कब था? वो तो एक बर्बाद शख्स है। घर के चार दीवारी के अंदर तुम्हारे सामने एक निष्ठ पति होने का नाटक जरूर करता है, लेकिन घर से बाहर निकलते ही उसकी नीयत किसी भी लड़की को देखकर ऐसे डोलती है जैसे सावन के झूले डोलते हैं। मैं भी उसी का शिकार हुई थी। मैं तुमसे यहाँ बहस करने नहीं आई, बल्कि तुम्हें चेतावनी देने आई कि तुम जो भी कर लो, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मेरे सिंदूर में मेरे सुहाग को बचाने की ताकत है। मेरे पास सिंदूर, ये मंगलसूत्र, समाज का दिया हुआ दर्जा नहीं है, पत्नी का हक भी नहीं है, लेकिन कुछ पल का सुहाग शेखर भाटिया है। मैं तुम्हें देख लूंगी। तुम भी क्या याद करोगे कि किससे पाला पड़ा था? तुम क्या देखोगी काम्या? अब तो ये दुनिया देखेगी एक नया तमाशा। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, आओ बैठो। जी थैंक यू। पर मैंने तुझे पहचाना। आंटी मैं राकेश हूँ, सोनिया का दोस्त हूँ मैं। हम लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। अच्छा, सोनिया घर पर नहीं है? हाँ बेटा, वो जरा बाहर गई है। बेटा तुम उसके दोस्त हो, उसे समझाओ ना, कितनी जिद्दी हो गई है। क्यों, क्या हुआ? अब क्या बताऊं बेटा, अमेरिका से इतना अच्छा रिश्ता आया था, इतना लड़का सुंदर है, होनहार है, अपना बिजनेस भी करता है, और तो और उन लोगों ने सोनिया को पसंद भी कर लिया है। सोनिया को पता नहीं क्या हो गया, उसने इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया, और तो और वो लड़के वाले इतने गुस्से हो गए, गुस्से में भड़क गए। अब तुम ही बताओ, सोनिया ने क्या ये ठीक किया? हाँ आंटी, उसने गलत किया। बेटा तुम ही समझाओ ना उसे। मैं समझाऊंगा उसे जी। अच्छा आंटी, मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, नमस्ते। सोनिया, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। तुमने मेरी कितनी मदद की है यार, तुम्हारा कर्ज मैं ये कैसे उतारूंगी? तुमने मुझे मेरी जिंदगी दी है, तुमने मुझे राकेश दिया है। राकेश से शादी करने का फैसला कितना सही फैसला है, मुझे तो पता ही नहीं था। हाय लॉली। हाय सोनिया।
अरे राकेश, अभी मैं सोनिया से तुम्हारी बात कर रही थी। अच्छा? हाँ। डॉली, इफ यू डोंट माइंड, मैं सोनिया से अकेले में बात करना चाहता हूँ, प्लीज। नो प्रॉब्लम। थैंक यू। सोनिया, ये सब क्या है? ये सब क्या है मतलब? मैं तुम्हारे घर से आ रहा हूँ, तुमने अमेरिका वाला रिश्ता क्यों टुकरा दिया? तुम कह रहे हो राकेश? तुम कह रहे हो एक प्रेग्नेंट लड़की किसी से शादी कर सकती है क्या? हाँ, उस लड़के के भी तो अपने कुछ अरमान होंगे। क्या मैं उसे धोखा दे दूं या फिर अबॉर्शन करवा लूं? सोनिया, वैसे ये भी एक रास्ता है। तुम मर्द लोगों के लिए कितना आसान है ये सब कुछ कहना। एक छोटी सी भूल हुई और उसे मिटा दो। नहीं राकेश, ये मेरी जिंदगी है, मैं इसे मिटा नहीं सकती। लेकिन सोनिया, हमें अपनी गलती को। राकेश, कल को अगर इस बच्चे को ये पता लग गया कि हमारी मोहब्बत का नहीं गलतियों का नतीजा है, तो उस पर क्या बीतेगी? वो हमें कभी माफ नहीं कर पाएगा। और हम इस तरह दूर रहकर उसे सजा नहीं दे सकते। हाँ, हमें अपनी दूरियों को कम करना पड़ेगा राकेश। हमें 2 से 3 बनने से पहले 2 से 1 बनना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है राकेश, और कोई रास्ता नहीं है। शेखर, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं, लेकिन चिंता की अब कोई बात नहीं है। इस केस में विनीता अब तक कोई ठोस सबूत नहीं दे पा रही, जबकि हमारे पास तो एक मजबूत गवाह है। मैंने अपनी पूरी कोशिश करके इस केस को उस मोड़ पर लाके रख दिया है जहां प्रियंका की गवाही ही अहम है। मानो तुम इस केस से बरी हो ही गए, अब इस केस में नामुमकिन जैसी कोई बात नहीं। ये केस अब तुम्हारे फेवर में है, तुम्हारा नसीब तुम्हारे साथ, तुम्हारा वक्त तुम्हारे साथ। अब तुम्हें सिर्फ प्रियंका को अपने साथ रखना है, और उसे तुम कैसे रख सकते हो वो तुम्हें देखना है। उदास लग रही हैं, कोई परेशानी है? प्रियंका, तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है मतलब? आप मेरी जेठानी हैं, मैं आपको अपनी बड़ी बहन की तरह मानती हूँ। लेकिन दीदी, आप मुझे ये सब कुछ क्यों पूछ रही हैं? प्रियंका, अगर तुम्हारी बड़ी बहन तुमसे कुछ मांगेगी तो दोगी ना? चिंता मत करो, मैं तुमसे ऐसा कुछ नहीं मांगूंगी जो तुम्हारे बस में नहीं है। नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारे कुछ चंद शब्द चाहिए। पिछली बार तुम कोर्ट में किसी वजह से आ नहीं पाई, लेकिन प्रियंका, कल तुम्हारी गवाही से मेरा सुहाग बच सकता है। प्रियंका, मैं तुमसे अपने सुहाग की। दीदी, ऐसा मत कहिए। प्रियंका, शेखर के खातिर ना सही, पर मुझ पर रहम का कर, शेखर को बचा लो। प्रियंका,
प्लीज। प्रियंका मुझे दे दो। नहीं दीदी मुझे दे दो। मुझे प्रियंका मुझे प्लीज मुझे प्रियंका देखो प्लीज। नहीं नहीं प्लीज दीदी नहीं प्लीज नहीं प्लीज 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 प्रियंका देखो देखो प्रियंका सुनो तुम मुझसे छोटी है ना तू इसे रखकर क्या करेगी इसे मेरे पास रहने दो दीदी हाँ बड़े होने का रोब जमा रही हो ये तो मैं ही रखूंगी देखो प्रियंका सुनो 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 मेरी बात सुनो देखो मैं तुम्हारे लिए नया पर्स खरीद कर लाऊंगी मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ ना मेरी बात नहीं मानेगी ठीक है लो थैंक यू एक पप्पी लो दीदी बड़ी बहन होने के नाते आपने मुझसे जो कुछ भी मांगा है मैं उसे अपना फर्ज समझकर पूरा करूंगी मैं कल अदालत में गवाही जरूर दूंगी कि आपसे आपकी छोटी बहन का वादा है थैंक यू सो मच प्रियंका थैंक यू सो मच विशाल विशाल आज मैं बहुत खुश हूं अब मुझे कोई चिंता नहीं प्रियंका ने खुद मुझसे कहा है कि वो अदालत में जाकर गवाही देंगे और उसकी गवाही से शेखर इस केस से बरी हो सकता है उसे शेखर और मेरे दुख का कितना एहसास है प्रियंका अदालत में गवाही देगी ये सुनकर मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है बाबू विशाल मुझे लगता है कि हम सब ने मिलकर प्रियंका को गलत समझा है शायद आप सब मैंने प्रियंका को बिल्कुल सही समझा है अगर वो बुरी औरत होती ना तो आज वो मेरे सुहाग को बचाने के लिए आगे नहीं आती मुझे उस पर पूरा भरोसा है अगर ऐसा ही है तो बहुत अच्छी बात है मैं आपके लिए बहुत खुश हूं